अस्सलामुअलैकुम माय ऑल व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हो गए। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज जो है हमारी जो वीडियो है बिल्कुल किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, किसी अलग टॉपिक के ऊपर होने वाली, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है अनबॉक्सिंग का। क्योंकि मैंने जो अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए एक न्यू माइक बाय किया है, तो क्यों ना उस माइक के ऊपर वीडियोज़ बनाई जाए। अगर आप में से भी कोई वो माइक बाय करना चाहते हैं, मतलब कोई भी वीडियो वगैरह बनाते हो और माइक की नीड है, तो आप वो बेफिक्र हो के माइक जो है बाय कर सकते हो। तो उस माइक जो है मैंने बाय किया, उस माइक का सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद जो उसको मोबाइल में चेक करके आपको वॉइस क्वालिटी सुनाऊंगा, उसके बाद जो उसकी जो डिटेल वगैरह होगी वो भी सुनाऊंगा। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो ये वो माइक है जो मैंने अभी बाय किया। इसका नाम जो है K9 वायरलेस माइक्रोफोन, ये इस माइक का जो है नाम है। और ये डुअल है, मतलब के दो माइक है इसके अंदर। क्योंकि आप सबको पता होगा कि आप अगर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो काफ़ी, मतलब ज़्यादा ब्लॉग्स में मेरे साथ या अमान होता है या कोई और होता है, तो दो माइक होने लाजमी। और आजकल जो है बकराईद का सीज़न है, तो बंदा मंडी वगैरह जाके वीडियो बनाता है, तो एक माइक बंदे को लगा हुआ, दूसरा माइक जो है जिससे बंदा रेट पीछे उसको, मतलब उसके हाथ में थमा के, तो वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो इसमें कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, लेकिन वो डिटेल्स हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये जो है चाइनीज़ माइक है और इसमें सब कुछ जो है चाइनीज़ में लिखा हुआ है। व्लॉग, शॉर्ट वीडियो, इंटरव्यू, लाइव शो, और मतलब थोड़ा बहुत जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही समझ आ रहा है। तो इसकी डिटेल जो है मैं अब आपको बता देता हूँ। ये 4 Type-C और 4 iPhone, लेकिन मैंने टाइप सी वाला इसलिए लिया है, कभी कभी बंदा अगर अपने आईफोन से में नहीं बना पाया कला ना करें, आईफोन ख़राब हो गया है, कोई दूसरा मसला हो गया, तो बंदा टाइप सी से जो है बना सके। तो इसमें आईफोन का एक कनेक्टर वो भी मुझे मिला है, इससे ये हुआ कि मैं ये आईफोन में भी यूज़ कर पाऊँगा और टाइप सी जो मोबाइल होते हैं उसमें भी मैं यूज़ कर पाऊँगा। तो चलो अब करते इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे मैंने इसको जो है वहाँ पे यूज़ चेक करने के लिए खुला था, लेकिन अब आपके सामने करते अनबॉक्सिंग। गाइस, तो इस माइक की जो है हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो ये माइक है। सबसे पहले जो है इसमें हमें मिलता है कनेक्टर, जो कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि टाइप सी का है। इसमें एक दूसरा कनेक्टर लगता है, वो फिर ये जो है आईफोन वो यू लाइटिंग पोर्ट होती है तो आईफोन के लिए भी चल जाती है। इसको रख देते हैं साइड में। इसके बाद जो हमें ये दो माइक मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लुक के इन माइक्स की, और ये टाइप सी चार्जर से जो है वो चार्ज भी होते तकरीबन, अगर इन्हें जो है आधा घंटा लगता है फुल चार्ज करने में, और जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो ऑलमोस्ट 8 घंटे तक ये चल सकते हैं। और इसमें जो ये क्लिप भी लगा हुआ है, तो क्वालिटी तो अभी काफ़ी अच्छी लग रही है। चेक करके इसकी वॉइस भी मैं आपको सुनाता हूँ। अभी जो है मैं बना रहा हूँ वो अपने आईफोन के, मतलब ओरिजिनल जो आवाज़ होती है उसी से ही है। कोई वॉइस वगैरह में कोई, मतलब माइक वगैरह से मेरी वॉइस नहीं आ रही, डायरेक्टली जो है वॉइस आ रही। ये इसका दूसरा माइक है, तो इस दोनों को साइड में रखते हो। और बाकी जो है हमें बॉक्स में ये डेटा केबल मिल जाती है, इसके साथ जो है आपको कनेक्टर भी मिल जाते हैं। ये आ गया लाइटिंग बोर्ड का कनेक्टर, देख सकते हो। और ये जो आ गई इसकी टाइप सी, जिससे ये बंदा चार्ज कर सकते हैं। तो ये आ गए इसके सामान। टोटल जो है आपको इस बॉक्स के अंदर ये चीज़ें मिलने वाली हैं। अभी चार्ज तो इसमें थोड़ा बहुत होगा, तो केबल को रख देते हैं वापस, और मैं अपने जो है इसी जो आईफोन से मतलब लॉक बना रहा हूँ उस भी मैं कनेक्ट करूँगा। और भी इसमें कुछ है, यूज़र मेन्यू है इसमें, मतलब किस तरह यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें नहीं नहीं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। हर ब्रांड के मोबाइल से मतलब ये कनेक्ट हो सकते हैं इजीली। इस
सबसे पहले जो है मैं पढ़ लेता हूँ, अब इसके बाद आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो ये सामान निकले थे वो इस बॉक्स में रख देते हैं। जो है गाइस, इस माइक की सबसे ख़ास बात ये है कि भाई ये माइक ऐसी चीज़ है जो हर आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपको कौन सा वाला चाहिए। मैंने टाइप सी लिया है, लेकिन इसमें ये iOS का लाइटिंग पोर्ट का कनेक्टर आ गया है। USB कनेक्टर भी मैं लगा के अपने किसी भी ओल्ड मॉडल एंड्रॉयड में यूज़ कर सकता हूँ। न्यू मॉडल एंड्रॉयड में ज़्यादातर टाइप सी है, तो मैंने टाइप सी लिया है। और इसकी दूसरी बात जो है आ जाती है वो ये कि लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि ये तकरीबन इसमें जो डिटेल्स है जो है इसका दूसरा टॉपिक जो है भाई, इसकी जो है दूसरी ये बात है कि इसकी जो बैटरी बैकअप होता है, वैसे माइक का जो है ऑलमोस्ट 2-3 घंटे होता है सस्ते वाले, क्योंकि ये आजकल जो है टॉप पे यही चल रहा है K9 मॉडल जो है, तो इसका बैटरी बैकअप जो है ऑलमोस्ट 8 घंटे जो है वो रिव्यू में लिखा हुआ है। कंफर्म नहीं है, मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक, यूज़ करूँगा इसके बाद इंशाल्लाह। मैं फिर इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, 1-2 मंथ यूज़ करने के बाद रिव्यू दूँगा इसका। और तीसरी बात, इसका जो है ना डिस्टेंस वो ऑलमोस्ट 65 फिट जो है क्लेम, मतलब 65 फिट अगर आप मोबाइल से अपने दूर हो और ये माइक कनेक्ट है तब भी ये माइक अपना सही तरीके से काम करेगा, लेकिन ये भी मैंने चेक नहीं किया। ये भी इंशाल्लाह मैं चेक करूँगा जब नेक्स्ट रिव्यू आएगा मेरा इस माइक के ऊपर 1-2 मंथ के बाद, फिर मैं आपको बताऊँगा। अब जो इसको कनेक्ट करते हैं, अभी जो है मैंने जैसे कि आप सबको बताया कि भाई कोई माइक वगैरह नहीं लगाया हुआ था मैंने, अब जो इस माइक को कनेक्ट करते उसके बाद देखते हैं कि वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है नहीं वो, और ये वॉइस क्वालिटी अच्छी हो या ना हो आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा। गाइस, अभी जो है मैंने फाइनली ये माइक जो है मेरे हाथ में आप देख सकते हो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ग्रीन लाइट भी जल रही है इसके ऊपर। तो अब जो है आप मुझे बताइएगा कि मेरे वॉइस क्वालिटी में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है, फ़र्क कोई आया भी है या नहीं, क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं चलेगा, आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो आप सबको इंशाल्लाह पता चलेगा। तो देखते हैं क्या सीन बनता है, आप सबके क्या कमेंट्स आते हैं। अगर इस माइक की क्वालिटी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह फिर मैं ये यूज़ करूँगा, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर मैं जल्दी से चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं इस माइक की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो कैसी लगी आप सबको माइक की अनबॉक्सिंग ये भी बताइएगा, ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बता पाया क्योंकि चाइनीज़ में लिखी हुई थी तो मुझे खुद भी पता नहीं चली, जो जो इंग्लिश में लिखी हुई थी वो मैंने आप सबको बता दी। तो उम्मीद है कि आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।